सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है कंपैरिजन वीडियो, और इस वीडियो के आप लोग की तरफ से ना काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। इंस्टाग्राम पे भी मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए कि कंपैरिजन लेकर के आओ ड्यूक 200 वर्सेस ड्यूक 125 का। तो जैसे ही बाइक अपने पास अवेलेबल हुई, वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, क्या कुछ आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में डिफ्रेंसेज रहने वाले हैं या फिर एक कह सकते हो सिमिलरिटीज रहने वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में सिमिलर भी मिलने वाली है, या फिर ये भी चीज़ कह सकते हैं कि सिर्फ इंजन ही आप लोगों को दोनों बाइक में चेंज रहेगा, बाकी ओवरऑल टायर का सेटअप, ब्रेकिंग सेटअप, सस्पेंशन सेटअप, लुक्स, सब कुछ आप लोगों को सेम रहने वाला है। उसके अलावा प्राइसिंग में एक कह सकते हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है, जिसकी वजह से 200 आप लोगों का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है। भाई 125 ले रहे हो ना, सो हल्का सा बजट आपको बढ़ाना है और आप लोग ड्यूक 200 लेना प्रीफर करो। 25 BHP का राउंड पावर यहाँ मिलता है 200 में, वहाँ पर मिलता है 14.5 BHP का राउंड। तो आप लोग देख सकते हो लगभग 10.5 BHP के अराउंड पावर में डिफरेंस मिल जाता है, और प्राइस में डिफरेंस कितना रहने वाला है, सो 2.23 223,000 ऑन रोड जयपुर ड्यूक 200, 2.04 204,000 ऑन रोड जयपुर ड्यूक 125। सो लगभग भाई कह सकते हो एक लगभग 16-17,000 रुपये का डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा उसके अंदर, एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये लेते हो। एक और डिफरेंस जो कि इस बाइक को वैल्यू फॉर मनी बना देता है वो है रियर ABS स्विचेबल, यानी कि सुपर मोटो ABS आप लोगों को मिलने वाला है 200 में ही, जो कि 125 में नहीं रहने वाला। 125 की अगर एक प्राइस की बात की जाए ना, तो इस प्राइस पॉइंट पे क्या कुछ आप लोगों को अदर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सो यहाँ पर 2.04 ऑन रोड जयपुर में R15S वर्जन 3 भी आप लोग ले सकते हो, RS 200 पल्सर RS 200 भी आप लोग ले सकते हो 204,000 में। सो देख सकते हो क्यों ये बाइक ना, मतलब इन दोनों में से तो खैर है ही ड्यूक 200 आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन दोनों में ही हो जाता है। स्टार्ट करते हैं क्या कुछ एक डिफरेंसेस रहने वाले हैं, थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाले दोनों ही बाइक्स में। इग्निशन अपना फ्यूल टैंक पे ही रहने वाला है, इसमें भी अपना को सेम ही रहने वाला है। इग्निशन के साथ 200 का लाइटिंग सेटअप ये अपना ऑन है, यहाँ पर LED में ही आप लोगों को DRL भी मिल जाता है, और LED में ही ओवरऑल लाइटिंग सेटअप भी दोनों ही बाइक में मिलने वाला है, बस अपना हेडलैम्प छोड़ के। तो हेडलैम्प आपको कुछ इस टाइप का हेलोजन में दोनों ही बाइक में मिलने वाला है। 200 का भी ऑन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, सो कुछ इस टाइप का अपने को रहने वाला है 200 में। ओवरऑल इसके अलावा हेडलैम्प के अलावा कंप्लीट लाइटिंग सेटअप अपना रहने वाला है LED में ही। रियर लुक भी देख लेते हैं, सो रियर भी भाई प्रॉपर आपका सेम ही है, दोनों में ही आप लोगों को अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलने वाला है, जो कि कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने में फील होगा। 250 में और 390 में अपने को एग्जॉस्ट प्रॉपर मिल जाता है। सो लकीली अभी अपने पास ना 390 भी अवेलेबल है, थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस टाइप का एग्जॉस्ट का सेटअप पूरा मिल जाता है 390 में और 250 में। वापस आ जाते हैं भाई अपना 200 पे और 125 पे, सेम रियर टायर का भी सेटअप है और फ्रंट टायर का भी सेटअप है। रियर टायर का जो अपना पैटर्न है वो कुछ इस टाइप का है, 150 सेक्शन का अपने को रियर टायर मिलने वाला है, जो कि दोनों में ही सेम है, प्लस रियर ब्रेकिंग भी सेम रहने वाली है। यहाँ पर थोड़ी ना लाइटिंग सही है, सो 230 mm का दोनों में ही आप लोगों को रियर डिस्क मिल जाता है। बाइब्री की ब्रेकिंग है, फ्रंट भी एंड रियर भी, इस टाइप का फ्रंट टायर रहने वाला है, पैटर्न अपना कुछ इस टाइप का है 110 सेक्शन का, और फ्रंट ब्रेकिंग भी आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलने वाली है। 300 mm का फ्रंट डिस्क है, बाइब्री की ब्रेकिंग फ्रंट में भी अपने को मिलने वाली है। तो ये रहा अपना फ्रंट, रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप के हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। साइड प्रोफाइल से बाइक देखते हैं तो प्रॉपर बिल्कुल आप लोगों को सेम ही लुक मिलने वाले हैं, प्लस जो सीट हाइट है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, ये भी सेम है। सीट हाइट अपनी रहने वाली है 822 mm की, 822 mm की टोटल सीट हाइट रहने वाली है। फ्यूल टैंक का जो शेप है और जो साइज़ है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, वो भी सेम है, प्लस स्टिकरिंग भी आप लोगों को प्रॉपर सेम ही मिलने वाली है। 200 और 125 का एक डिफरेंस आ जाता है, जो कि अभी के अकॉर्डिंग काफ़ी मेजर हो जाता है दोनों में ही, या फिर कह सकते हो ड्यूक सीरीज़ में KTM की सभी बाइक्स में। वहाँ पर देख सकते हो RC में भी सेम फ्रेम है, स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम ही आप लोगों को मिलने वाला है कलर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसका कलर थीम चेंज रहने वाला है, ये आप लोग देख सकते हो मैट सिल्वर जो कि बाइक का कलर थीम है उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। 125 में आप लोग देख सकते हो वाइट में हाफ वाला पार्ट आपका उसका रहने वाला है। रियर सस्पेंशन भी अपना सेम है, वही WP Apex सीरीज़ का मोनोशॉक मिलने वाला है रियर में भी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपना रह गया था तो 13.4 लीटर, 13.4 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक रहने वाला है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। और ये है अपना मेटल में, दोनों में ही अपने को मेटल में ही रहने वाला है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो 200 में भी आप लोगों को दो ही कलर ऑप्शन रहने वाले हैं, और 125 में भी आप लोगों को दो ही कलर ऑप्शन रहने वाले हैं। प्राइसिंग कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को सेम ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि ओवरऑल देखो बाकी सारा सेटअप आप लोगों को यहाँ पर सेम ही मिलने वाला है। मेजरली अपनी बात हो ही चुकी है, इंजन ही रहता है, उसकी बात कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं एक बार बाइक को दोनों को स्टार्ट, और एग्जॉस्ट नोट में किस टाइप का डिफरेंस आने वाला है वो सुन लेते हैं। सो पहले बात कर लेते हैं ड्यूक 200 के बारे में, तो 199.5 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है 6-speed गियर बॉक्स के साथ। पावर की बात करते हैं तो 25 BHP का पीक पावर और 19.2 Nm का आप लोगों को यहाँ पर
टॉर्क रहने वाला है। इस बाइक का 0 to 100 जो कंपनी क्लेम करती है वो रहने वाला है 9.2 सेकंड्स में, और माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो रहने वाला है 35 किलोमीटर पर आवर के अराउंड। टॉप स्पीड जो रहने वाली है वो है 142 किलोमीटर पर आवर की। बाइक का जो टोटल वेट है वो आप लोगों को दोनों में ही सेम है 159 केजी। अब आ जाते हैं 125 के बारे में। सो 125 में अपने को मिलने वाला है 124.7 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन 6-speed गियरबॉक्स के साथ। 6-speed गियरबॉक्स आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में मिलने वाला है। पावर की बात करते हैं तो 14.5 bhp का अराउंड पावर है और 12 Nm का आप लोगों को यहाँ पर टॉर्क मिलने वाला है। जो देख सकते हो आप लोग खुद ही डिफरेंस 25 bhp और 14.5 bhp, ये हुआ एक मेजर इंजन स्पेसिफिकेशन। 0 to 60 जो ड्यूक 125 का कंपनी क्लेम करती है वो रहने वाला है 5.4 सेकंड्स में, और टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है इस बाइक की वो है लगभग 120 किलोमीटर पर आवर के अराउंड। और बाइक का जो टोटल वेट है वो दोनों का ही सेम है, क्योंकि कुछ भाई डिफरेंस है ही नहीं, तो वेट में कोई डिफरेंस भी नहीं होने वाला, 159 kg ही दोनों का वेट रहने वाला है। सो ये हुआ भाई अपना एक वीडियो कंप्लीट दोनों ही बाइक्स के बारे में। कोई भी बॉडी लाइन से कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्लस जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी आप लोगों को सेम है, नंबर्स भी, टायर का सेटअप भी, ब्रेकिंग भी, सस्पेंशन भी। फ्रंट सस्पेंशन दिखाना रह गया था, तो ये रहा भाई अपना WP Apex सीरीज का ही फ्रंट 43mm का आप लोगों को अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलने वाला है, जो कि सेम है 200 में भी और 125 में भी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, दोनों में से कौन सी बाइक लेना आप प्रीफर करोगे, ये चीज़ भी कमेंट में ज़रूर शेयर करना। भाई मेरी रिकमेंडेशन है ड्यूक 200 को ही आप लोग प्रीफर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बजट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइसिंग में आप लोगों को एक और बार बता देता हूँ, 2.23 और 2.04 ऑन रोड जयपुर की प्राइस ये रहने वाली है। सो करते अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना। अगला कंपैरिजन आप लोगों को कौन सी दो बाइक्स का चाहिए वो चीज़ आप लोग जरूर शेयर कर सकते हो। तो करते अपना ये वाला वीडियो एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।